नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सूखे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। उच्चतम न्यायालय ने देश में सूखे की स्थिति पर आंखें बंद रखने को लेकर केंद्र सरकार को बुधवार को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एन बी रमन की पीठ ने योगेंद्र यादव के एनजीओ स्वराज अभियान की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि देश के 9 राज्य सूखे से प्रभावित हैं और केंद्र सरकार इस पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। पीठ ने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता भी जताई। न्यायालय ने केंद्र को हलफनामा देकर यह बताने का निर्देश दिया है कि मनरेगा योजना सूखा प्रभावित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है। शीर्ष अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा है कि इन राज्यों में वह किस तरह फंड मुहैया करा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा बिगाड़ सकती है पाकिस्तान का मूड, अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सऊदी अरब यात्रा के संबंध में एक शीर्ष अमेरिकी विशेषज्ञ का कहना है कि इससे पाकिस्तान को परेशानी हो सकती है क्योंकि आर्थिक और रणनीतिक अवसर भारत को तेल समृद्ध खाड़ी देश के करीब ला रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द हडसन इंस्टीट्यूट की अपर्णा पांडे ने कहा कि सालों तक सऊदी अरब को एक प्रमुख सहयोगी और आर्थिक मददगार मानने वाले पाकिस्तान को अब लग सकता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी भारत के हाथों अपने संरक्षक को खो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की यात्रा और उनका गर्मजोशी से किया गया स्वागत पाकिस्तानी नेताओं को यह याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय हितों पर टिके रहते हैं, केवल धर्म आधारित विचारधारा पर नहीं। राष्ट्रवाद पर कभी आंच नहीं आने देगी भाजपा, अमित शाह ने कहा। राष्ट्रवाद को लेकर चल रही बहस के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रवाद ही पार्टी की असली पहचान है और इस पर कभी भी आंच नहीं आने दी जाएगी। शाह ने भाजपा के 36वें स्थापना दिवस पर यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी पहचान है और इसी विचारधारा पर पार्टी की स्थापना हुई थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र के अलावा 13 राज्यों में पार्टी या सहयोगी दलों की सरकार है। पार्टी इस समय सफलता के शिखर पर है लेकिन कार्यकर्ताओं को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कठपुतली और ट्रोजन घोड़ा है टेड क्रूज। विस्कॉन्सिन प्राइमरी में अपनी हार से परेशान डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी टेड क्रूज को एक कठपुतली और ट्रोजन घोड़ा करार देते हुए बुधवार को कहा कि पार्टी के आकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनसे पार्टी की उम्मीदवारी छीनने की कोशिश के तहत क्रूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान की ओर से कहा गया है कि 69 वर्षीय ट्रंप न्यूयॉर्क में विजयी होंगे जहां पर वे सभी चुनावों में पर्याप्त रूप से आगे हैं। इसके मुताबिक ट्रंप ही एकमात्र उम्मीदवार है जो हिलेरी क्लिंटन को हरा सकते हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ का आतंकवादी ढेर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ देर रात हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सेना के एक अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर लालपुरा के शेखपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।